लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के टॉपिक का आगाज किया था। सिस्टम यूनिट का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी ICS पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जैसे कि मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, माइक्रो प्रोसेसर और अलग अलग टाइप की मेमोरी और एक्सपेंशन कार्ड्स और स्लॉट्स को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सिस्टम यूनिट का आखिरी कंपोनेंट पोर्ट्स को पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि पोर्ट्स कंप्यूटर के अंदर क्या होती हैं, कि कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। इसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस पर हमें रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन जब तक हम उन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तो ना ही यूजर इनपुट दे सकता है, ना ही CPU उस पर प्रोसेस कर सकता है और ना ही कोई आउटपुट डिस्प्ले होगा। इसीलिए एक हार्डवेयर बनाया गया जो कि इंटरफेस फराहम करता है, यानी पॉइंट ऑफ कनेक्शन फराहम करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मदरबोर्ड के दरमियान, ताकि तमाम डिवाइसेस मिलकर बआसानी काम कर सके। तो दोस्तों, उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन को पोर्ट्स कहा जाता है। कंप्यूटर पोर्ट एक कनेक्टिंग सॉकेट होता है जो कि मदरबोर्ड पर मौजूद होता है। उस सॉकेट के अंदर अलग अलग तरह की केबल्स को प्लग किया जाता है, यानी इस तरीके से लगाया जाता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के जरिए ही एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मोडेम वगैरह को इंटरनल डिवाइसेस मींस मदरबोर्ड पर मौजूद तमाम इंटरनल डिवाइसेस जैसे कि CPU, RAM, बसेस, पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है। जैसे ही आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को केबल्स के जरिए मदरबोर्ड पर लगे पोर्ट्स में लगाते हैं, आपका कंप्यूटर यूजर के डाटा को इनपुट देने के लिए तैयार हो जाता है। एक मदरबोर्ड पर अलग अलग तरह की पोर्ट्स मौजूद होती हैं और उनकी जाहिरी शक्ल या फिर नंबर ऑफ पिंस जो कि उस पर मौजूद होती हैं, उनको देखकर बआसानी उनमें फर्क किया जा सकता है, क्योंकि तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए अलग अलग तरह की पोर्ट्स मौजूद होती हैं और अलग अलग पोर्ट्स की अलग अलग कम्युनिकेशन स्पीड और बैंडविड्थ होती है, जिसकी बिना पर वो डाटा को कंप्यूटर को देती हैं और कंप्यूटर से आने वाले डाटा को लेती हैं और आउटपुट डिवाइसेस को देती हैं। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि ये पोर्ट्स सिस्टम में कहाँ मौजूद होती हैं। ये हमारे सिस्टम यूनिट का फ्रंट पैनल यानी आगे का हिस्सा है और यहाँ ये कुछ USB पोर्ट हैं और कुछ माइक और हेडफोन्स के लिए ये गोल गोल पोर्ट्स मौजूद हैं। और ये हमारे सिस्टम का बैक पैनल है जहाँ पर ये हाईलाइटेड सेक्शन, यानी ये सेक्शन पोर्ट्स का सेक्शन है जहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, USB और तमाम तरह की पोर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। के अलावा एक्सपेंशन कार्ड्स, यानी अगर आपकी ये पोर्ट्स पूरी नहीं होती, यानी आपको और ज्यादा कोई डिवाइसेस लगाने की जरूरत होती है, तो आपके जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उनके साथ भी पोर्ट्स लगी आती हैं। दोस्तों, आमतौर पर पोर्ट्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर हम 3 टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली है सीरियल पोर्ट, फिर है पैरेलल पोर्ट और उसके बाद है USB पोर्ट। तो आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। सीरियल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स सीरियल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि माउस, मॉडेम, कीबोर्ड और दूसरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनको फास्ट डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती, उनको कंप्यूटर से जोड़ती हैं। ये आमतौर पर दूसरे पोर्ट्स की निस्बत हल्की स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करती है, क्योंकि ये 1 बिट को, यानी 1 बिट को एक वक्त में ट्रांसफर करती है, यानी 1x1 डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। इसीलिए कीबोर्ड, माउस और दूसरी ऐसी डिवाइसेस जो कि आमतौर पर इनपुट डिवाइसेस के अंदर इन्हीं पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनपुट डिवाइसेस को इन्हीं पोर्ट्स से जोड़ा जाता है, सीरियल पोर्ट्स को कम्युनिकेशन पोर्ट्स यानी कॉम पोर्ट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की दिखती हैं और इनके अंदर 9 पिंस मौजूद होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। के बाद है पैरेलल पोर्ट्स। दोस्तों, पैरेलल पोर्ट्स पैरेलल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर,
वगैरह को कंप्यूटर से जोड़ती हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनको फास्ट डाटा ट्रांसमिशन की जरूरत होती है। जैसे कि डिस्प्ले स्कीम के टॉपिक में हमने देखा था कि डाटा बिट्स की शक्ल में बहुत तेजी के साथ स्क्रीन पर दिखाना होता है, तो डाटा को स्क्रीन पर पहुंचाने के लिए भी उसी तरीके की पोर्ट्स की जरूरत होती है। ये आमतौर पर सीरियल पोर्ट्स की निस्बत ज्यादा तेजी से डाटा को ट्रांसफर करती है और एक वक्त में एक बिट के बजाय 8 से लेकर 25 बिट्स को कंप्यूटर को देती हैं। ये साइज में भी सीरियल पोर्ट्स से बड़ी होती हैं, इसीलिए इनमें सीरियल पोर्ट्स के निस्बत पिंस भी ज्यादा होती हैं और जिसकी वजह से इनका डाटा ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेलल पोर्ट है और इसके अंदर, और ये सीरियल पोर्ट है और पैरेलल पोर्ट के अंदर सीरियल पोर्ट्स की निस्बत ना सिर्फ पिंस ज्यादा है बल्कि ये साइज में भी बड़ी है। तो दोस्तों इसके बाद है, जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं जिसमें क्लियरली आपको पैरेलल पोर्ट्स दिखाई गई हैं और इसके अंदर आप पिंस की तादाद भी देख सकते हैं जो कि सीरियल पोर्ट्स की निस्बत ज्यादा है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली पोर्ट है वो है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट यानी यूएसबी मुखफ्फिफ है यूनिवर्सल सीरियल बस का। ये अब तक की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पोर्ट है जिसके जरिए 127 पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। गेम्स, एक्सटर्नल ड्राइव, माउस, फ्लॉपी डिस्क, सॉरी पावर सप्लाई, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, वेबकैम वगैरह इसी यूएसबी पोर्ट के जरिए आप अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। और ना सिर्फ पावर सप्लाई को, आप अपने मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अब राउटर्स में भी आपको यूएसबी केबल नजर आती है, मीन्स जितनी भी डिवाइसेस अब इस्तेमाल हो रही हैं वो तमाम यूएसबी इंटरफेस पर काम करती हैं। दोस्तों तमाम मॉडर्न कंप्यूटर्स में एटलीस्ट एक यूएसबी पोर्ट जरूर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे लैपटॉप में, गेम्स में, मोबाइल फोन्स में यूएसबी पोर्ट लगी होती है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि तमाम मॉडर्न कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में कितनी कितनी पोर्ट्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में 2 से लेकर 4 पोर्ट्स आगे के यानी फ्रंट पैनल पे और 2 से लेकर 8 पोर्ट तक यानी 8 यूएसबी पोर्ट तक पीछे के पैनल पर मौजूद होती है। लैपटॉप में 1 से लेकर 4 तक की पोर्ट्स, 1 से लेकर 4 तक की यूएसबी पोर्ट्स मौजूद होती हैं और टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स के अंदर चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम यूएसबी पोर्ट के मजीद फीचर को देखते हैं। यूएसबी पोर्ट के अंदर एक खास फीचर है प्लग और प्ले का, मींस अगर आप कोई डिवाइस यूएसबी पोर्ट के जरिए कंप्यूटर से अटैच करते हैं यानी प्लग करते हैं तो आपको उस डिवाइस के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों आमतौर पर आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि तमाम यूएसबी पोर्ट्स एक जैसी दिखती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तमाम अलग अलग आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की होती हैं और अलग अलग दिखने के साथ साथ इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। आइए इनकी स्पीड का तायुन करते हैं। सबसे पहली जो यूएसबी पोर्ट आई वो थी USB 1.X जो कि 1 सेकंड में 12 मेगाबिट्स को ट्रांसफर कर सकती थी। के बाद आई USB 2.0 जो कि 480 यानी 480 मेगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसफर कर सकती थी। दोस्तों इस यूएसबी के आने के बाद यानी 2.2 वर्जन आने के बाद USB 1.X का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर आई USB 3.0 जो कि मेगाबाइट्स नहीं बल्कि 5 गीगाबिट्स पर सेकंड तक के डाटा को ट्रांसफर कर सकती थी। तो दोस्तों यूएसबी पोर्ट को आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह से किसी भी वक्त कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपने कोई यूएसबी पोर्ट के अंदर कोई डिवाइस लगाई है जैसे कि माउस, कीबोर्ड या फिर अपना मोबाइल फोन, तो आप बिना झिझक के उसको निकाल सकते हैं। आपके कंप्यूटर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और इनके आने के बाद सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स का तसव्वुर बिल्कुल खत्म हो गया है। यानी अब तमाम जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो तमाम डिवाइसेस यूएसबी पोर्ट के जरिए आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि कंप्यूटर की पोर्ट्स क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं और उनके अंदर और वो कंप्यूटर के अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है और कंप्यूटर के अंदर मौजूद अलग अलग तरह की पोर्ट्स जैसे कि सीरियल,
पैरेलल और यूएसबी पोर्ट्स को डिटेल में पढ़ा है। दोस्तों यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया है। के अंदर सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस, इनके अंदर हमने कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑडियो इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ा था। के बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस के अंदर स्क्रीन और प्रिंटर्स और ऑडियो और वीडियो आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और उनकी टाइप्स और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और उनकी टाइप्स को पढ़ा था। दोस्तों उसके बाद हमने सिस्टम यूनिट और उसके कॉम्पोनेंट्स, जिनको हमने आज के लेक्चर में कम्प्लीट किया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपना पूरा कम्प्लीट एक कंप्यूटर में जो जो हार्डवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टाइप्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और उनकी टाइप्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं उनकी जनरेशंस को पढ़ा था। उसके बाद हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी एक सिस्टम को बनाने के लिए क्या तरीकेकार अपनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या तरीकेकार अपनाया जाता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ा था। दोस्तों ये पूरा जो ये जो तमाम 3 टॉपिक्स हैं ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थे और ये तमाम टॉपिक्स हार्डवेयर से रिलेटेड थे। दोस्तों यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे।